हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मारू सिद्दीकी, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर सेकंड। द नेम ऑफ चैप्टर सेकंड इज एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। लेट्स सी द टॉपिक, प्लीज लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक नेम इज साल्ट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को चैप्टर सेकंड से रिलेटेड 4 to 5 टॉपिक्स लगभग पढ़ा दिए हैं, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि एसिड्स एंड देयर बिहेवियर, आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिक हाउसहोल्ड सब्सटेंसेस, व्हाट आर कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, एसिडिक सब्सटेंसेस इन एयर, हाउ एसिड्स आर फॉर्म्ड, जनरल बिहेवियर ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस, ये सब सारे यूजेज ऑफ एसिड्स, हाउ आर बेसिस फॉर्म्ड, जनरल बिहेवियर ऑफ बेसिक सब्सटेंसेज, यूजेज ऑफ बेसिस। आज हम लोग उसी चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे, साल्ट्स। साल्ट्स को हिंदी में कहते हैं लवण। मोस्ट साल्ट्स आर न्यूट्रल सब्सटेंसेज, ज़्यादातर साल्ट्स जो होते हैं ये उदासीन पदार्थ होते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज, ये कई तरीके से बनते हैं। फर्स्ट, बाई द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी तत्वों के जुड़ने से डायरेक्ट ये बन जाते हैं। जैसे 2Na प्लस Cl2, इसे हम हीट करेंगे तो आपका 2NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट प्राप्त होगा। Mg प्लस Cl2, इसे हम हीट करेंगे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, आपका साल्ट के रूप में प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड, बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन अ मेटल, अगर किसी मेटल यानी कि धातु के ऊपर हम या किसी धातु के साथ एक एसिड अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो उससे भी हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो साल्ट होगा। Mg प्लस 2HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जिंक, यहाँ पे देखिए मेटल प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, आपने दोनों के बीच में रिएक्शन कराई तो ZnSO4 जिंक सल्फेट आपका प्रोडक्ट बना साल्ट के फॉर्म में, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। बाय अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सम एग्जांपल्स ऑफ विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो उदासीनी अभिक्रिया है इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग आप इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साल्ट्स फाउंड इन नेचर, प्रकृति में साल्ट्स पाए जाते हैं। साल्ट्स आर फाउंड इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट, लवण पृथ्वी की जो लेयर होती है क्रस्ट, उस क्रस्ट लेयर में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ देम डिजॉल्व इन रेन वाटर, और बहुत बड़ी मात्रा में आपका जो ये साल्ट है जो क्रस्ट लेयर में पाया जाता है पृथ्वी के, ये बारिश के पानी में घुल भी जाता है एंड डिस्चार्ज इनटू, और ये बह करके आपका लेक्स झीलों में भी चला जाता है, रिवर्स नदियों में भी चला जाता है एंड अल्टीमेटली इनटू द सी, जहाँ तक कि बल्कि वो समुद्र तक पहुँच जाता है। साल्ट सच एज क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सल्फेट्स और आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स होते हैं, ये सब सारे साल्ट जो है आपको सी वाटर, समुद्र के पानी से प्राप्त होते हैं। सॉयल एंड रॉक्स आर वास्ट स्टोर्स ऑफ साल्ट, यानी कि जो मृदा, सॉयल मीन्स मृदा या मिट्टी और रॉक्स, जो चट्टाने जो होती हैं, इनमें बड़ी मात्रा में साल्ट्स, लवण जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। सम ऑफ विच आर मेंशन्ड इन टेबल, देखिए जो नीचे टेबल बनी हुई है, इस टेबल में बहुत सारे साल्ट्स को मतलब इसमें मेंशन किया गया है कि ये सारे साल्ट जो हैं कहाँ से हमको अकरेंस प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो रिच इन साल्ट्स, फल और सब्जियाँ जो होती हैं इनमें भी साल्ट्स, लवण की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती हैं। देखिए टेबल साल्ट्स कॉमनली फाउंड इन सॉयल्स एंड रॉक्स, कि जो साल्ट्स, लवण होते हैं सामान्यतः ये चट्टानों और मिट्टियों में पाए जाते हैं
देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में साल्ट दिए गए हैं, सेकंड कॉलम में अकरेंस सोडियम क्लोराइड, ये आपका कहाँ से प्राप्त होता है? रॉक्स ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम दिस सोर्स इज कॉल्ड रॉक साल्ट। सोडियम कार्बोनेट, सॉइल्स ऑफ सम एरियाज सच सॉइल इज कॉल्ड सैजी मिट्टी इन हिंदी एंड इज यूज इन प्लेस ऑफ वॉशिंग सोडा। सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर ह्यूज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन चिली साउथ अमेरिका। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइटर अ वाइट वूली क्रस्ट ऑन द सॉयल। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन ऑल सॉयल्स एंड लाइम स्टोन रॉक्स। कैल्शियम फॉस्फेट्स, ऑल सॉयल्स एंड फॉस्फेट रॉक्स। मेटल सिलिकेट्स, ऑल सॉयल्स माइका एंड चाइना क्ले। देखिए चाइना क्ले मिट्टी होती है, माइका मीन्स अभ्रक, और ये आपका जो बताया मैंने लाइम स्टोन रॉक्स यानी कि जो चट्टानें होती हैं, ये सब जो हैं आपके साल्ट्स के अकरेंस के सोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो मैंने आपको ये रिएक्शन बताई है कि साल्ट्स आपका कैसे फॉर्म्ड होता है, इन रिएक्शंस की लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। और ये जो अब मैंने आपको टेबल बताई है कि कौन कौन से ऐसे कॉमनली साल्ट हैं जो हमको सॉयल और रॉक्स में प्राप्त होते हैं, इस टेबल को अच्छे से लर्न करिएगा। थैंक यू।